दोस्तों आज हम जानेंगे गन्ने के चोटी भेदक कीट के बारे में। इस कीट को शुगर केन टॉप बोरर के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट का प्रकोप भारत के उत्तरी गन्ना उत्पादक राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है। इस कीट की वातावरण के अनुसार 5 पीढ़ियां वर्ष भर में बनती है। इस कीट के पतंगे सफेद शानदार दिखते हैं, लेकिन इस शानदार दिखने वाले कीट का प्रकोप भी भयानक होता है। कीट का प्रकोप 5-6 महीने से लेकर अंत तक कभी भी हो सकता है। गन्ने की चोटी पर नुकसान और प्रकोप लक्षण दिखाई देते हैं। अंडों से नई निकलने वाली इल्ली पत्ते की निचली सतह पर मध्य शिरा में सफेद सुरंग बनाती है और ये सुरंग बनाते हुए मुख्य तने की ओर बढ़ती है। जब ये पत्तियां पूरी तरह से खुलती है तो उनमें सीधी रेखा में होल बने दिखते हैं। गन्ने की ऊंचाई नहीं बढ़ती और ऊपरी हिस्सा झाड़ू जैसा दिखता है। इस अवस्था को पंची टॉप कहा जाता है, जो इस कीट के प्रकोप के लक्षण को पहचानने की निशानी है। चौथी अवस्था की इल्ली मुख्य तने को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इस चोटी भेदक कीट के प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कारगर साबित हो रहा है। इसके लिए आप वाटर ट्रैप के साथ शुगर केन टॉप बिल्यूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये वाटर ट्रैप और शुगर केन टॉप बिल्यूर कैसे अपने गन्ने के खेत में लगवाएं। दोस्तों ये गन्ने की चोटी भेदक कीट का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वाटर ट्रैप और शुगर केन टॉप बिल्यूर आपको ऑर्डर करवाने हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और ग्रीन रेवोल्यूशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।